आपके जज्बे को, आपके त्याग को और आपके काम करने को हम सलाम करते हैं। नमस्ते। मैं कहूंगा आवाज दो, आप कहेंगे हम एक है। क्लियर है? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। जैसे शकील साहब ने कहा, यह मेरा पहला दौरा नहीं है बिहार का, पर पहला रैली है। 5 बार पहले आ चुका हूं, करीबन 15 जिला घूम चुका हूं, 14-15 जिला घूम चुका हूं। हर छोटे छोटे शहर में जाके हम बात कर रहे थे कि क्यों एनपीआर, एनआरसी और सीएए इस देश के हर नागरिक के खिलाफ है। पहले हम जो है इस देश के नागरिक सरकार को चुनते थे, आज सरकार नागरिक को चुन रहे। ये बदलाव जो सरकार ने लाया है, नागरिक जो सरकार को चुनते थे, आज सरकार कह रहे कि हम नागरिक को चुनेंगे और हम तय करेंगे कि कौन नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा। ये बदलाव, ये हिम्मत सरकार में कैसे आई, ये हमें समझना होगा। पर उससे पहले, अगर इससे मान लीजिए 10 गुना कम भी अगर लोग आए और अमित शाह यहां होते, तो आपसे एक सवाल जरूर पूछता। मैं वो सवाल पूछने वाला हूं। मैं इस देश के 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? हां या ना? जब आप हां कहते हैं, तब वो एनआरसी और एनपीआर लेके आते हैं। आपकी हां कहने से ही वो एनआरसी और एनपीआर लेके आते हैं। क्यों? अगर आपको ड्राइविंग आता हो, नहीं आता हो, पर गाड़ी चलाएंगे, पुलिस वाला आपको पकड़ेंगे, ये नहीं पूछता आपके पास कि आपको चलाना आता है कि नहीं आता है। आपसे क्या पूछता है? लाइसेंस है कि नहीं पूछते हैं। अगर मान लीजिए आप पेंशन ले रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं और वहां जाके आप बोलूं कि मैं जिंदा हूं, मेरा पेंशन दो, तो सरकारी दफ्तर में वो बोलेंगे आप जिंदा हो, खुद आने से नहीं चलेगा, आप लाइफ सर्टिफिकेट दो। और अगर मान लीजिए आपने इस साल का दिया और पिछले साल का गलती से नहीं दिया, तो बोलेंगे पहले पिछले साल का लेके आओ, तभी मानेंगे इस साल तुम जिंदा हो। ये है, हम जानते हैं सरकार कैसे काम करते हैं। तो जैसे आज इतने सारे लोग यहां पे आए हैं जिन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, आपसे मैं पूछूं कि कौन घुसपैठिया है? जिसके पास कागज है, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वो सब सोचते हैं कि हम नागरिक है। जिसके पास कागज नहीं है, वो नागरिक नहीं है या घुसपैठिया है। तो दोबारा ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, जिनके पास कागज नहीं है, उन सबको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? सवाल यही था। पहले घुसपैठिया बोला, बाद में बोला कि जिसके पास कागज नहीं है। ये 2 मिनट में जब उसका अर्थ आप समझ गया कि घुसपैठिया मतलब जिसके पास कागज नहीं है, आपका जवाब बदल गया। सरकार यही चाहते कि आप समझे नहीं बात को, इस तरीके से सवाल पूछे कि आप हां या ना में जवाब दे, हां कहे सबको लगेगा हां, सबको चुन चुन के बाहर निकालना चाहिए। ये नहीं सोचते हुए कि भाई हमारे पास भी हो सकता है, जो कागज वो मांग रहा है वो हमारे पास भी नहीं हो सकता है। और ये बताऊं, अमित शाह ने खुद ही हमें बताया कि ना आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र है, ना वोटर आईडी कार्ड है, ना आपका रेशन कार्ड है। एमएचए का एक ऑफिशियल ने बोला पासपोर्ट तक नहीं है, इसमें से कुछ भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो बाकी बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा क्या? अगर जिस वोटर आईडी कार्ड से हमने ये सरकार को चुना, उस वोटर आईडी कार्ड को देख के ये नहीं मान सकते कि हम नागरिक है, उसके पास हमारे पास बचा क्या है हम नागरिक के स्थापित करने के लिए? तब उन्होंने कहा, जब ये कानून लेके आया, नागरिकता संशोधन कानून, उस दिन अमित शाह ने कहा पार्लियामेंट में आके कि कान खोल के सुन लो, हम एनआरसी लेके आएंगे। उस दिन पर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। आंदोलन शुरू हुआ 2 हफ्ते, जनता ने आंख से आंख मिला के सरकार से सवाल पूछने लग गया। तो प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से कहते हैं, एनआरसी है क्या, मैं तो जानता ही नहीं, डर गया। मैं समझता हूं अगर 1 महीना और हम आंदोलन करें तो प्रधानमंत्री कहेंगे अमित शाह है कौन, मैं तो जानता ही नहीं। क्योंकि
जनता से, जनता के सवाल उन्होंने अभी तक देखा नहीं है। लोकतंत्र है क्या वो समझे नहीं है। उनको लगता है जिस तरीके से अपने सांसदों को डरा धमका के बिल पास कराया जा सकता है, वैसे पूरा जनता को भी लाइन में लेके आ सकता है। अभी हाल ही में मैंने सुना बिहार के सांसदों के बारे में कि उन्होंने इतने सारे उनके पास काम होते हैं इसलिए बिना देखे वो कानून उन्होंने संसद में सपोर्ट कर दिया था, शायद बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है। सोचिए छोटी सी शहर में कोई प्रोटेस्ट होता है, सारे मीडिया वाले प्रोटेस्ट उनके पास जाते हैं और बोलते हैं किसके विरोध कर रहे हो तुम, किसके विरोध कर रहे हो, तुमको पता है किस बात के विरोध कर रहे हैं। ये मीडिया वाले वो सांसदों से नहीं पूछता कि किस बिल का समर्थन करके आए तुम, उतना भी नहीं पता है तुमको। और एक आम आदमी से पूछता है कि पूरा कानून की बात बताओ, जिसने कानून बनाया उसको नहीं पता है कि कौन सी कानून बना के आए हैं, क्योंकि अमित शाह ने धमकाया और डर गए। पर जनता नहीं डरते, अमित शाह का ना पैसे से लालच है हमारा, ना उसका बंदूक का डर है हमें। इस बात को सरकार को समझना होगा, जितना जल्दी समझेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। जो सरकार ये कहते हैं कि हम एनआरसी नहीं करेंगे पर एनपीआर करेंगे, हम एनआरसी नहीं करेंगे पर एनपीआर करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं एनपीआर का एनआरसी के सिवाय कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है। ये बात सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में सीतापुर में एक सभा में मैं बोल रहा था, तो वहां के एक महिला साथी खड़े होकर पूछ रहे हैं, सर जब इनको पूरी कचौड़ी बनाना नहीं है तो इतना आटा क्यों गूंद रहे हैं, जब इनको एनआरसी करना नहीं है तो एनपीआर कर क्यों रहे, किस बात के लिए एनपीआर कर रहे, चाहे उसमें वो छह सवाल हो या ना हो। ये यहां के सरकार से भी मैं यही कहना चाहता हूं, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको एनआरसी नहीं करना है तो चाहे वो छह सवाल हो या ना हो आपको पूरी तरीके से एनपीआर वापस लेना होगा, जब तक नहीं लेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगी। दूसरी बात कानून की, जो एनआरसी और एनपीआर इस देश की हर गरीब के खिलाफ है, और खासकर मैं केरला से हूं, आप जैसे हम भी पूरा देश में हर जगह बसे हुए हैं, और हमारे अगर कहीं हम रहते हैं वहां जाके हमारे से पूछे कि तुम्हारा सब पूरा डॉक्यूमेंट लेके आओ, हमारे से मुश्किल हो जाता है दिखाना, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो एनआरसी और एनपीआर इस देश की हर गरीब के खिलाफ है, हर महिला के खिलाफ है। आसाम में एनआरसी हुआ, उसमें 12 लाख हिंदू थे, 6 लाख मुसलमान थे, 1 लाख आदिवासी थे, पर एक चीज हम भूल जाते हैं, उसमें 70% महिलाएं थे। जब सबसे ज्यादा जो जिसके ऊपर इसका असर पड़ा है वो महिलाएं हैं, क्योंकि उन्हीं के पास कागज नहीं होते हैं। 18 साल से पहले कहीं शादी हो जाते हैं, उसके बाद पहले कागज बनते हैं अपने पति के नाम पे, अपने माँ बाप के नाम पे नहीं। वो नहीं साबित कर पाते कि हाँ हम इस घर से इस जगह से आए हैं। और इसी बात पे हुआ अभी आसाम में, 15 कागज थे उनके पास, एक महिला के पास 15 कागज, उनके पास जमीन के डॉक्यूमेंट थे, बैंक के डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, हर चीज था, पर वो ये नहीं प्रूव कर पाया कि वो अपने माँ बाप की बेटी है, क्योंकि कागज जो भी था उनके हस्बैंड के नाम के था, अपने माँ बाप के नाम पे नहीं था। ये चीज हुआ है आसाम में। तो जो ये एनआरसी और एनपीआर इस देश की हर गरीब, हर महिला, हर आदिवासी, हर दलित के खिलाफ है, उसको ये सोचे किस तरीके से हिंदू मुसलमान बनाया जाए। और हिंदू मुसलमान बनाने के लिए बनाया जो कानून है वो है नागरिकता संशोधन कानून। तो जब हमें एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जब लड़ना है, ये भी सोच के लड़ना होगा कि हमें कानून के खिलाफ भी लड़ना है जो नागरिकता संशोधन कानून है। धर्म के आधार पर नागरिकता में पहली बार धर्म लेके आया गया है। वो कहते हैं ये तो नागरिकता देने वाला कानून है, कहते हैं कि नागरिकता देने वाला कानून है पर धर्म के आधार पर देंगे। जब धर्म के आधार पर कुछ चीज देते हैं तो धर्म के आधार पर कुछ चीज छीन भी लेते हैं। अगर 10 लोग बैठे हैं और उसमें से धर्म के आधार पर मैं 5 लोगों को खाना दूं तो वही बराबर है कि धर्म के आधार पर दूसरे 5 को ना दूं। और जब एनआरसी के साथ लेके इसको जोड़ा जाता है, जैसे आसाम में हुआ, 19 लाख लोग निकले लिस्ट से बाहर, जिसमें 12 लाख हिंदू है, 6 लाख मुसलमान है, 1 लाख आदिवासी है। मान लीजिए हम सब परेशान हैं, पर अगर मैं हिंदू हूं तो ये बोलते हैं कि ये कानून आपको मदद कर सकता है, आपको वापस नागरिकता मिल सकता है। और अगर आप मुसलमान हैं
वही कानून आपको बोलेगा कि नहीं आप तुम डिटेंशन सेंटर जाओ। तो जो नागरिकता देने वाला कानून किस तरीके से नागरिकता छीनने वाला कानून बन जाता है यह भी समझने की जरूरत है। ये इसीलिए हम सीए को भी उतना ही सख्ती से विरोध करना चाहिए जितना एनपीआर और एनआरसी का विरोध हम कर रहे हैं। ये कोई सब जुडिस की मैटर नहीं है। इस देश में कानून आए हैं आंदोलन से, कानून गए हैं आंदोलन से, कानून में बदलाव आए आंदोलन से, और ये कानून भी जाएगा आंदोलन से ही। ये चीज याद रखिएगा, इमरजेंसी वापस कोई जुडिशरी के ऑर्डर से नहीं गया था। जो इमरजेंसी वापस गया था वो इसी बात के लिए गया था, और इसी धरती से शुरू हुआ था जयप्रकाश आंदोलन, जनता के आंदोलन से इमरजेंसी वापस गया था, और जनता के आंदोलन से ही ये कानून भी वापस जाएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो भी सोचे। ये जैसे मेधा ताई कह रहे थे, अतः आपको कितना लोगों को लगता है कि सरकार फांसीवादी है, हाथ ऊपर करें। सबको लगता है हाँ सरकार फांसीवादी हो सकता है, पर मुझे यकीन है कि सरकार बेवकूफ है, एक नंबर का बेवकूफ है। जैसे कुत्ते होते हैं, पटना में भी करते ही होंगे, जो कुत्ते हैं गाड़ी के पीछे भागते हैं, देखे कि नहीं, गाड़ियों के पीछे भागता है। एक दिन उठ के सुबह डिसाइड कर लेते हैं या शाम को रात को, हाँ काला गाड़ी के पीछे भागना है, वो भाग लेते हैं, भोगता बहुत है, गाड़ी तक पहुंच जाता है, उसके बाद उसको पता नहीं होता करना क्या है, वो इधर उधर देखने लग जाता है। ये सरकार भी वैसे ही है। नोटबंदी किया, एक दिन वो थम्सअप का एड देख के आज कुछ तूफानी करते करके उन्होंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि हम आज नोटबंदी करेंगे, कर लिया, 3 महीने जनता को परेशान किया, आज तक अर्थव्यवस्था उतना ही खराब, उससे ज्यादा खराब हालत में हो गए, एक पैसा काला धन नहीं मिला। करने के बाद उनको आइडिया नहीं है कि अभी करना क्या है, भागा भोका, अभी पता नहीं करना क्या है। 370 हटाया, 6 महीने से ऊपर हो गया, बहुत भोका, बहुत ज्यादा भागा भी, अभी उनको पता नहीं है कि कश्मीर में करना क्या है। ये कानून जो नागरिकता देने वाला कानून है करके लेके आया, उसमें किसी से पूछा भाई कोई कैसे प्रूव कर सकता है कि वो पाकिस्तान से आया, अफगानिस्तान से आया या बांग्लादेश से आया है, तो सरकार के ऑफिसर कहते हैं उसके बारे में हमने सोचा नहीं, शायद वो एक बड़ा युद्ध हो सकता है। भाई तुमने सोचा ही नहीं है तो भागा क्यों, भोका क्यों? सोच रहे थे कि वहां पहुंचने के बाद हम सोचेंगे कि करना क्या है, किसी का फायदा करने के लिए। ये हर एक इंसिडेंट में, हर एक चीज में, इसलिए मैं समझता हूं फांसीवादी हो सकता है पर बेवकूफ जरूर है अंदर जो है। जब अमित शाह कहते हैं, कई बार मैं जाके पूछता हूं कि आपको लगता है कि आंदोलन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, कहीं कुछ बोलते हैं, हां वो पूछते हैं कि अमित शाह ने तो कहा कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं उनको कहता हूं कि जब वो कहता है कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, उसका चेहरा मत देखो, उसका पैर पे देखो, वो 2 किलोमीटर पीछे जाके कह रहे हैं कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं, पीछे हटते हटते कह रहे वो जो, पर वो 1 इंच, एक ही इंच बचा है उसके बाद गड्ढा है, पर वो 1 इंच भी नफरत का है। इस देश में नफरत का 1 इंच भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो पीछे हटे ना हटे, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। हर जगह जब ये शुरू हुआ आंदोलन के, कई लोगों को ये लगता था ये सरकार वापस लेंगे कि नहीं, पर उस टाइम विपक्ष के दल भी इस कानून के बारे में कुछ सही ढंग से बता नहीं रहे थे। आंदोलन के बाद इतना हुआ कि सारे के सारे विपक्ष के दल आके कहने लग गया कि हम एक कानून के खिलाफ है। तो इतना तो आपने सुनिश्चित कर चुके हैं, जिस दिन ये सरकार गिरेगी उस दिन ये कानून भी जाएगी, इतना तो जीत आपने पक्का कर चुके हैं। जिस दिन ये सरकार गिरेगी उस दिन ये कानून जाएगी, स्थायी नहीं है कानून। दूसरी बात, जो बच्चे स्टूडेंट्स, उनको लगता था कि फेसबुक इंस्टाग्राम में कुछ ट्रेंड चलाना है लोकतंत्र, आज बाहर निकल के सरकार से सवाल पूछने लग गए हैं, लोकतंत्र के लिए लाठी खाने के लिए तैयार हो गया, इस देश के भविष्य उन्होंने सुरक्षित कर लिया है, इसी आंदोलन का देन है। तीसरी बात, जो कहीं जगह में जाता था, एक मुस्लिम समुदाय जो रहते हुए भी गायब रहना चाहते थे, कोई सोशल इश्यूज में बाहर आके अपना बात को रखना नहीं चाह रहे थे, आज गर्व के साथ मुसलमान होने का और भारतीय होने का एक साथ ऐलान कर रहे, ये भी इसी आंदोलन की जीत है। आंदोलन की जीत तो बहुत हो चुके हैं।
पर इसी सरकार से हम ये कानून भी वापस करवाएंगे, ना एनआरसी होने देंगे, ना एनपीआर होने देंगे, और ना हम इस सरकार से ये कानून भी वापस करवाएंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी नारा मैं आपको करना चाहता हूं। 46 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज, हर एक घंटे में एक बेरोजगार आत्महत्या कर रहे, हर घंटे एक नौजवान, उसको लगता है कि उसको नौकरी नहीं मिल रहे, वो इसलिए है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार है, वो पॉलिटेक्निक में सिविल नहीं किया होता, आईटीआई किया होता, आईटीआई नहीं तो बीई किया होता, कंप्यूटर कर लिया होता, उसको लगता है कि उसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी किसकी है, सरकार किसकी है? सरकार हमारी तो हमारे कानून ना आते थे। सरकार जो है मोदी की है, जिम्मेदारी किसकी है? तो मैं कहूंगा देश में बढ़ती बेरोजगारी, आप कहेंगे मोदी तेरी जिम्मेदारी, देश में बढ़ती बेरोजगारी मोदी तेरी जिम्मेदारी, देश में बढ़ती बेरोजगारी, घूम रहे हैं बलात्कारी, घूम रहे हैं बलात्कारी, क्यों बेच रहा तू रेलगाड़ी पटरी, बेच रहा रेलगाड़ी पटरी, जवान सभी तुझे वोट है प्यारी, जवान सभी तुझे वोट है प्यारी। लास्ट एक बात कहकर मैं अपना बात खत्म करूंगा। हर जगह महिलाएं बैठे हुए हैं, हर जगह 500-600 जगहों पे महिलाएं बैठे हुए हैं। उनसे मैं पूछता हूं कि क्यों बैठे हैं, वो कहते हैं देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, पर सबसे अधिक एक चीज कहते हैं इस देश को हमारे बच्चों के लिए बचाना है, अपने बच्चों के लिए बचाना है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जब कोई माँ अपनी बच्चे के लिए लड़ता है ना, तो जीत सिर्फ माँ की हो सकती है, और किसी का हो ही नहीं सकती, और किसी का हो ही नहीं सकती। इसी बात पे मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इस आंदोलन में जीत सिर्फ हमारी हो सकती है, और किसी का हो नहीं सकती। जय हिंद, धन्यवाद।